Berlin. सर्वाइवर्स फ्री फायर पाकिस्तान लीग सीजन 3 के बाद हमें काफी एक्साइटिंग और सरप्राइजिंग ट्रांसफर्स देखने का इत्तेफाक हुआ। ट्रांसफर्स किसी भी टीम की ग्रोथ के लिए एक निहायत इम्पोर्टेंट किरदार अदा करते हैं, क्योंकि एक ट्रांसफर आपको बहुत से एडवांटेजेस प्रोवाइड करने का पोटेंशियल रखता है। आज हम बात करने वाले हैं उन्हीं कुछ ब्लॉकबस्टर ट्रांसफर्स की जो FFPL के बाद हमें देखने को मिले। जी हाँ, जिक्र होगा आज रोमन, सैफ और क्वेटा का, जो इस फ्री फायर पाकिस्तान लीग के थर्ड सीजन के बाद टीम डीमन्स प्राइड का हिस्सा हो चुके हैं। शुरुआत करें क्वेटा से तो TG के ऑलराउंडर क्वेटा अपने हार्डवर्क और डिटर्मिनेशन के 22 FFPL सेकंड और थर्ड सीजन में TG को चैंपियनशिप का टाइटल दिलाने की कोशिश करते हुए नजर आए। इनकी नेडिंग एबिलिटीज और प्रेडिक्शंस वर्ल्ड क्लास लेवल की मालूम होती हैं। अगले टूर्नामेंट से हमें क्वेटा डीमन्स प्राइड के कलर्स पहने हुए नजर आएंगे। दूसरी जानिब बात की जाए रोमन की तो FFPL थर्ड में कुछ खास इम्पैक्ट तो ना डाल सके, जिसकी वजह से टीम 5 की टाइटल जीतने की उम्मीदें खत्म होती दिखाई दी। मगर सिर्फ रोमन को ही कसूरवार ठहराना गलत होगा। ओवरऑल अपने कैरियर के नेक्स्ट स्टेप के लिए रोमन ने ज्वाइन की है टीम डीमन्स प्राइड, जहां वो अपने स्किल्स और हार्डवर्क से अपने नाम को मजीद ऊंचा करने के लिए पूर्ण उम्मीद है। अब बात करें सैफ की तो फ्री फायर पाकिस्तान कम्युनिटी में सैफ का नाम काफी मकबूल है। FFPL 1 के विनर, अपनी टीम का एक वैल्यूएबल एसेट, टीम TG का चार्मिंग फैक्टर और पावर हाउस, TG सैफ का टीम डीमन्स प्राइड ज्वाइन करना एक बहुत बड़ी न्यूज है। इनके कैरियर में इनके हार्डवर्क और स्किल्स का इनकी सक्सेस मुंह बोलता सबूत है। सैफ की जर्नी टीम TG के साथ काफी खुशगवार रही, हालांकि FFPL थर्ड में कुछ खास परफॉर्म ना कर सके, मगर अपने कैरियर की नई आगाज के लिए उनका ये कदम कम्युनिटी में नहायत सरप्राइजिंग तसव्वुर किया जाता है। सर्वाइवर्स, ट्रांसफर्स का अच्छे रिजल्ट प्रोड्यूस करना इस चीज पर डिपेंडेंट होता है कि टीम की केमिस्ट्री किस तरह ब्लेंड होती है। देखना ये होगा अब कि ये तीन बड़े नाम किस तरह अपनी आइडेंटिटी को मेंटेन करके अपने मकासद को पूरा करते हैं।